भगा दो, या किसी ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें माला पहनाएंगे, या कन्हैया जी से किसी ने कहा कि गोवर्धन उठा करके अगर यहां लाज बचा लोगे तो तुम्हें हम माखन खिलाएंगे। तो कुछ मूर्ख मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म और धर्म से दूर हो जाते हैं, और ऐसा करने वाले लोग अकेले ही रह जाते हैं, उनके साथ कोई आता नहीं। कुछ लोगों का काम ही अनावश्यक चर्चा, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, जो नीति में नहीं है, नियत में नहीं है। अभी देखो रास्ते से वहां कोई जा रहा हो ना, अचानक अरे क्या है, वो ट्रक है क्या, अरे टायर फट गया। इतने टाइम में तुम भगवान का भजन करो ना यार, इतना बच्चा हो टाइम किसी के अपने बच्चों को ज्ञान दो ना। अरे कुछ नहीं, जिसकी जिम्मेदारी ली है, अर्धांगनी है, सेवांगनी है, धर्मांगनी है, उसको टाइम दो ना। लेकिन अनावश्यक चर्चा। तो कहने का मतलब है कि जिसे सेवा करना है या जिसके भाग्य में भोग्य में प्रारब्ध में सेवा है, उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई बहन, वो स्वयं करता है और परमात्मा उससे करवा लेता है। ये सारे काम प्रारब्ध से, हम आपकी नगरी में आए इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और मैं कहता हूँ। क्यों राजेश जी, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि इसमें मेरा एक पैसे का कोई योगदान नहीं है, और मुझे किसी का दिया हुआ सम्मान भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा रूप नहीं, स्वरूप नहीं, अनुरूप नहीं, तन नहीं, तो मुझे मान सम्मान का अभिप्राय भी नहीं। फिर ये पूर्व जन्म से प्रकृति ने निर्धारित किया था कि ब्रह्मांडपुरी आपको इतने लोगों की सेवा जाकर के करनी पड़ेगी, हमें तो पार्षद बनाकर ठाकुर ने नाम बड़ा कर लगा के कुछ नहीं, ये तो निर्धारित है, नहीं तो ये कथा 2 साल पहले भी होती और 1 साल बाद भी होती। हम पहले भी आ सकते थे या बाद में आ सकते थे, लेकिन शुभ कार्य कभी भी निर्धारित करके नहीं किया जा सकता है। अगर आप पात्र हैं तो आपका भोग, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध आपसे महापुरुषों के आशीर्वाद से करवा लिया जाता है। माध्यम बनना है, यस लेना है। अब लोग बैठ के सोचते होंगे, अरे इतनी बड़ी कथा 4 दिन में आयोजित हो गई, बताओ LED लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, इतना साउंड है, कहां से आएगा, कहां से भरेगा, कौन देगा? तुम्हें कमाने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी, स्वाद लेने के लिए जिह्वा दिया, तीर्थ करने के लिए पद दिया, जो तुम्हें इतना दे सकता, जो किसी काम के नहीं, जो राम का काम करता, उसे कौन रोक लेगा? वो तो पहले से निर्धारित है कहां से होना है, वो तो पूर्व समय निर्धारित है। आप गौर करना, अपना घर का कर्जा आपका बाकी हो सकता है, लेकिन बेटी के ब्याह का कर्जा बहुत आसानी से उतरता है, क्योंकि वो यज्ञ है। अपने जीवन में अनुभव ले लेना, आपके घर में दूध जल्दी चाय के लिए भले ना मिले, लेकिन जब सत्यनारायण कथा होगी तो कोई भी भाई दूध लेके आ जाएगा, वो उसका काम करवा लेता है। इसलिए उसमें सोचना नहीं आपका काम है, और आप सोच भी कितना सकते हो, एक सीमित दायरा है आपका, कहां तक सोचोगे? मेरे 2 बच्चे, 2 लड़कियां, मेरा घर, मेरा परिवार। मैं तो कहता हूं इन संसारियों को संतों का सानिध्य पाना ही नहीं आता साहब, और इन्हें प्रश्न करना तो आता ही नहीं। संतों के पास प्रश्न करने के लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल लगाओ, लेकिन जब संत का सानिध्य मिले, परमात्मा का सानिध्य मिले, तो जीवात्मा और परमात्मा की बात करो, अध्यात्म की बात करो, जगत कल्याण की बात करो। मेरी बेटी का ब्याह नहीं होता, ये ले, मेरा प्लॉट नहीं बिकता, मेरे घर में माया नहीं टिकता, मेरा घर नहीं बनता, अरे वो तो जब होना है हो ही जाएगा ना। उसके लिए हरि से साधना करो, अरदास करो, प्रार्थना करो।
लेकिन जब कभी अन्न का कण मिले तो व्यर्थ नहीं फेंकना, और जब कभी संत का रज मिले तो उसे मस्तक पे लगा लेना, भवसिंध उतर जाओगे। हम जाकर मांगते भी क्या है गुरुजनों से, क्या मांगते हैं? सट्टे वाले है ना, पहचान हो गई, 8-7 दिन हो गया है, और मैं तो पूरा भारत मानता हूँ, बहुत सावधान रहते हैं हम लोग। अब हमसे कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी आपकी सारी बातें जायज हैं, आप किसी के घर नहीं आते। नहीं जाता, जाता ही नहीं सर, एक जगह बैठ गए। और आप देखेंगे कि अगर महसाना में व्यवस्था भी बनी तो कहीं दूर 1-2 एकड़ जमीन खरीद के झोपड़ी होगी, महल नहीं होगा ब्रह्मांडपुरी का, क्योंकि वो सूलों के पक्के संत हैं। घर नहीं जाते इसका मतलब अहंकार नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, मर्यादा है। माना आपका धन दौलत क्या है, रुपया पैसा बंगला, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन मेरी असली संपत्ति तो मेरी साधना है। आकस्मिक हम किसी के नगर में पहुंचते हैं, किसी के घर पहुंचते हैं, किसी को मासिक धर्म है या कोई अस्वस्थता है, और वो जल हमने पी लिया तो हमारी तपस्या छीण हो जाएगी। किसी के घर हम पहुंचे, कोई मांसाहारी है, किसी ने मदिरा का पान किया है, आकस्मिक वो बर्तन में मैंने कर लिया ना, तो मेरी साधना खत्म हो जाएगी। जैसे आप अपनी संसार की सुरक्षा करते हो ना, ऐसे हमारी भी सुरक्षा कवच करके बैठना पड़ता है। ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीच अन्न खाए से, ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीच अन्न खाए से, कुलकर है नाश हो या ब्राह्मण सताए से, और संस्कार भ्रष्ट हो या मदिरा के पाए से। संतों का काम और शिष्यों का काम अलग है। शिष्य का काम है जगत कल्याण करे, धर्म धन का पूरक है और धन धर्म का पूरक है। उसके पास जो भी धनराशि आए उससे अपने दायित्व को पहले पूरा करे, है ना। ऐसा नहीं पैसा आए कि बाबा के पास, वो मामला गड़बड़ है। पहले बेटी के लिए लिखो, पहले माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, बच्चे में दान करो। और संत का काम है कि अपने शिष्य के लिए सुखद जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना, कामना, यज्ञ और अनुष्ठान करे। ये दोनों के रिश्ते का सूत्र है। श्रीमद् भागवत कथा में आए, विषय चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि सेवा करने वाले को बोलने की जरूरत सीखना चाहिए ना हमें वक्षपाल से। अभी कन्हैया गोपाल नहीं हुए हैं, अभी कन्हैया वक्षपाल हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग युवा बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि अरे काली दाह में आज पानी पीने के बाद एक गैया फिर से मर गई। एक छोटे से स्वरूप में मेरे नंदलाल सिर्फ सुनते हैं कि जलपान करने से, विषयुक्त जल को पीने से एक गाय मर गई, और कन्हैया जी चुपचाप जमुना के किनारे चले जाते हैं कि आज तो मैं इस कालिया को यहां से हटा के ही रहूंगा, चाहे मेरा प्राण क्यों ना जाए, गौ हत्या नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और हम दूध देना गाय बंद कर दे, फिर उसे 1500 में बेचते हैं, गैया कहीं भी जाए समाधि नहीं लगा सकते। कितने स्वार्थी हैं। दूध वाली गाय रखेंगे, दूध देना बंद किया, और हम बोलते हैं ना उनको मारो जो गाय काटते हैं, लेकिन उनको तो देखा जाएगा, लेकिन जो गाय कसाई को बेचते हैं उनके साथ क्या व्यवहार करें, निर्णय तो हमारा आपका ही होगा ना। सीखिए, एक छोटा सा बच्चा सिर्फ ये सुना है कि गैया काली देह में विषपान करने से मर गई और मेरे नंदलाल चल पड़े, बहाना बना करके। कन्हैया से यह सीखना है कि कन्हैया जी ने धेनकासुर का वध किया, अघासुर का किया, बकासुर का किया,
ये सारे सुर का वध तो कन्हैया जी ने कर दिया, पर हमें आपको भी एक राक्षस का वध करना है। कन्हैया तिवारी बाबा नहीं करना है। हमारे आपके मन मस्तिष्क में एक भी राक्षस बैठा है जिसे हम वृत्ति असुर कहते हैं, उसे बदल लो तो भवपार हो जाओगे। कि जिनकी आदत हो, जिनकी आदत बुरी लाखरों को, जिनकी आदत बुरी लाखरों को, दर असल वो बदलते आदत बुरी होना, उनको उसी में मजा आता है। हमारे अयोध्या में एक कहावत है कि सो सो जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। जैसे गुजरात में एक कहावत है कि जारे तमने गम थाय हसवानो नथी रोया करो, आपला जीवन में जे थाय ते जोया करो। ए आमला दुख छे ना एनो काई नथी, पर फरीवार दुख आवानन नथी, दुख आवतो नथी एना माटे तमारे कई चिंतन चिंता करवू होय ने।
और अपन खाली राम नाम जपना का करते हैं। अगली लाइन में भूल गया, आप लोग याद कर लेना राम नाम जपना। भाई इतना बर्डन है, एक आधी लाइन छूट जाती है। एक बालक से कहा चल तीर्थ करा के लाएंगे। महाराज कितने तीर्थ? मैंने चार धाम करा देंगे तेरे। बोले महाराज तेरे चार धाम उधर, मेरे भी धाम है, मैंने गिना दे। बोले आप पहले बताओ, मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ द्वारिका काशी विश्वनाथ, बस हमारा पण चार धामों से बाप जी तमने खबर छे ने तेने भाई ने। मैंने क्या खबर हुए धाम तमारा? मैंने केवी रीते खबर पड़े भाई? મારા ધામ ના નામ સાંભળું છે, તમે સાંભળો સાસુ તીરથ, સાસુ તીરથ, સસુરા તીરથ। આગે કી લાઈન મેં ભૂલ ગયા, આગે કી લાઈન મેં ભૂલ નહીં પાઉંગા, क्योंकि सुबह से लगाऊ तो तीन अक्षर भूल जाता हूँ। आप लोग याद कर लें, ऐसे आभास काफी लोगों का होगा कि सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है जहाँ पहले सर झुकाया जाता है। कन्हैया जी को सेवा करनी है, वात्सल्य है, लेकिन चल पड़े हैं जमुना के किनारे, और हमारे नंदलाल ने भाव क्या दिखाया मालूम है? कि चले हैं नाग नाथन को बहाना, गेंद के जी नाग को भगाने चले हैं, लीला लचा रहे हैं, खेल बहुत है, कबड्डी है, हुतुतु है, खो है, आज कन्हैया जी गेंद खेल रहे हैं। कन्हैया जी ने गेंद श्री दामा को मारा, श्री दामा उनके पीछे भगे और सारे ग्वालों ने मिलकर गेंद खेला। कन्हैया देख रहे हैं, देखते देखते ग्वालों ने, अब कन्हैया जी जानबूझकर जमुना की तरफ ही भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लीला तो वही जाने। श्री रामा ने गेंद फेंक कर मारा और गेंद काली दाह में जाकर गिर गया। अब आजकल जैसे लोग कहते हैं ना कि सर अगर हमारी इच्छा वाली बात नहीं हुई तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपने हमारे जाति समाज को अगर टिकट नहीं दिया तो हम आपको मतदान नहीं करेंगे, आप हमारे ब्याह में नहीं तो हम आपके ब्याह में नहीं आएंगे। ऐसे बच्चे भी कहते अगर मुझे खेलने को नहीं दिया तो मेरा बैट लेकर गया, तो बॉल से रमते रहियो। भाई आपने मेरा नाम नहीं डाला, आपने मुझे सम्मान नहीं दिया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब यहां वो दशा हो गई, श्री दामा कहता हो काना तू होगा तेरे बड़े घर का, मैं तो मेरी छोटी से गेंद में खुश हूं। कन्हैया कहते भाई दूसरी ला दूंगा, तीसरी ला दूंगा, चौथी ला दूंगा। वो कहते ना ना मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान का दूसरा अवतार हो तो कलाएं घट जाती या बढ़ जाती, गेंद दूसरी कहां से लावे? आज कहते ना मैं आपके साथ आता लेकिन आपने मेरी मानी नहीं तो मैं क्यों आऊं? आप मेरे आयोग में सम्मिलित नहीं थे इसलिए मैं आपके सहयोग में कैसे आऊं? महामंडलेश्वर जी आपकी जो है कुंभ की यात्रा थी, आपने मेरी फोटो नहीं लगाई थी बैनर में, तो मैं कैसे आऊं? अबे मूर्ख मरने के बाद फोटो